सबसे पहले हमें 1.5 ऑयल लिया, इसमें 4 मीडियम साइज प्याज लाइट ब्राउन की, फिर हमने चिकन डाल दिया। नमक 1.5 टीस्पून नमक, 2 टेबलस्पून शान बिरयानी मसाला, 2 टेबलस्पून शान बिरयानी मसाला, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, 1 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टीस्पून होममेड गरम मसाला एंड 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, हाफ टीस्पून। कितना दही? 1 कप। 1 कप दही। दो हरी मिर्चें, 2 हरी मिर्चें, पुदीना, हरा धनिया, पीछे थोड़ी देर होने के बाद जीरा, साबुत जीरा, थोड़ा ब्लैक पेपरकॉर्न, 2-4 लौंग, 4-5 लौंग क्लोव्स एंड सिनेमन स्टिक। Only one. What about candy? दो तेज पत्ता मारिया, तेज बोला आपने, तेज पत्ता, दो तेज पत्ता और दो तेज पत्ता, बादियां के फूल, स्टार एनीस,
बादियान के फूले कहाँ हैं? दो दो नहीं तीन, जल्दी डाल दें यार, तीन तीन। दो नींबू का अदरक, टू लेमन स्क्वीज, खट्टी खट्टी भी अदरक। डाल के और इसको दम पे रख देंगे पास। अब ये जो है वो ऊपर से डालेंगे। ओके नाइस। धनिया पुदीना और स्लिट हरी मिर्च। ऑयल आ गया है, चावल है हमारे 1 kg और 1 kg राइस है, बासमती राइस है। यस। इसमें थोड़ा सा हम सैफ्रॉन डालेंगे, इसकी बहुत अच्छी खुशबू, जिसकी बहुत अच्छी खुशबू होती है। मेरे पापा को बहुत पसंद है। मेरे पापा को तो बहुत ही पसंद है भाई सैफ्रॉन, मुझे इतना पसंद नहीं है पर पापा को बहुत अच्छा लगता है सैफ्रॉन। तो उसमें ये डाल दिया, काफी अच्छा इसमें खुशबू आ जाएगी और कलर भी काफी अच्छा आ जाएगा। ये जो ऑयल दिख रहा है गाइस, ये एंड में डालेंगे जब लेयरिंग कर रहे होंगे, और इसमें बहुत ज़्यादा फ्लेवर होता है। पूरा नहीं, बस थोड़ा सा निकालेंगे और दम, अ नाइस दम, हम ये कवर कर देंगे फॉइल के साथ एंड देन पैकेट रूम में बहाना आए।
हाँ जी भाई, अब हमारे पापा ट्राई करेंगे बिरयानी अम्मी के हाथ के बनाई हुई। देखते हैं पापा को कैसी लगती है। ट्राई करते हैं बनेगी कि कैसी बनी है। चिकन बिरयानी। कैसी है? नाइस, यम्मी यम्मी। अच्छी बनी है। अच्छी है। चले अम्मी, आप पास हो गई हैं। मसाला भी हर चीज सही है। अच्छा, टेस्ट बढ़िया, कैसा है? टेस्ट भी अच्छा है। सही। चले अब व्यूअर्स को बाय बोल दें और हाँ बोलें कि अपने घर में ट्राई कीजिएगा ये। हाँ सब लोग अपने घर में ट्राई करें, हर कोई बना सकता है, बस थोड़ी मेहनत की जरूरत होती है, अंदाजे की जरूरत होती है, तो अच्छी बिरयानी बन जाती है। हर कोई खाता है लेकिन अंदाज़ अलग अलग होता है, इसलिए जैसे भी बनाएं अपने घर में खुश रहें, सेफ रहें और अपने बुज़ुर्गों की इज्जत करें और बच्चों से प्यार करें और सबसे मिलजुल के रहें। यही मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है। अल्लाह हाफिज़।